अस्सलामुअलैकुम मानूर, क्या हाल है बेटे? ठीक है ना? ठीक ठीक हो बेटे? हाँ चलें, हाँ आज के दिन हम पता क्या मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपकी टीचर मिस रजी बात कर रही हूँ CWC से, ठीक है? और दूसरा, ये मेरी स्टूडेंट मानूर है, और मानूर को आज मैं एक लेसन सिखाऊंगी कि आपने अपने खाने के लिए अपनी ट्रे कैसे सेट करनी है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता वो हाउस होल्ड में भी अपना काम कर सके। और इसके अंदर मैं जो मेन चीज़ें हैं वो यूज़ करूँगी वो है ट्रे, प्लेट और ग्लास। इन सब चीज़ों की अरेंजमेंट मैं मानूर को सिखाऊंगी ताकि मानूर अपना काम खुद से कर सके। पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद फिर मानूर खुद से ये काम करेगी, ठीक है? मानूर, सबसे पहले आपने क्या हाँ लेना है, क्या चीज़ है बेटे? ट्रे, ठीक हाँ है? लेते हैं। ठीक, शाबाश। इसमें सबसे पहले मैंने क्या रखना है, सीधे हाथ पे रोटी वाली प्लेट, ठीक है? सीधी प्लेट, ठीक। और इस तरफ मैंने क्या रखना है, उल्टे हाथ सालन वाली प्लेट जो डीप होती है थोड़ी सी, ठीक है? और उसके हाँ साथ मैंने क्या रखना है, एक पानी के लिए ग्लास, ठीक है? शाबाश, वो रख लेना। और साथ हाथ साफ करने के लिए मैंने क्या करना है, एक नेपकिन रख लेना है, ठीक है? और उसके बाद फिर आप ये देखें, अगर मुझे चावल बने होंगे तो एक चम्मच की भी जरूरत होगी, तो मैं फिर एक चम्मच साथ रख लूंगी, ठीक है? और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ग्लास को कवर कर लेंगे ताकि ग्लास के अंदर कोई चीज ना गिर जाए, ऐसे, ठीक है? चलें, अब आपने ऐसा करना है, ये एक ट्रे सेट होगी। पहले तो आप खुद इसमें सेट करना सीखें अपने खाने के लिए, उसके बाद आप मेहमान को भी दे सकते हैं। चले मानूर, शाबाश। सबसे अब ओके आप मुझे ये करके दिखाएं काम। चलें, सेल्फ हेल्प स्किल के अंदर ये आप मुझे काम करके दिखाएं। सबसे पहले अपनी हाँ ट्रे नीचे रखें, सीधी करके ट्रे नीचे रखें, टेबल पे रखें। शाबाश, गुड। अब सबसे पहले रोटी वाली प्लेट राइट साइड पर रखें, सीधे हाथ जिस तरफ से हम खाना खाते हैं। मानूर, उठाएं रोटी वाली प्लेट, शाबाश, राइट साइड पर रखवाएं, ठीक है, ठीक है। और साइड पे करें, किनारे की तरफ, ठीक है, शाबाश। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, सालन वाली प्लेट लें जो थोड़ी सी डीप होती है, लें, शाबाश, गुड, रखें साथ, रखें, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, गुड, ठीक। अब आप सामने रखें ग्लास, एक ग्लास रखें ताकि आपको पानी की प्यास लगे तो वो रख ले, शाबाश। अच्छा, ग्लास आप ऊपर की तरफ रखें क्योंकि आपकी रोटी तोड़ते हुए तो ग्लास नीचे गिर जाएगा। ग्लास ऊपर की तरफ रखें, रोटी वाली प्लेट या सालन वाली प्लेट के ऊपर, ऐसे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक चम्मच रख लें, चम्मच भी रखें सालन वाली प्लेट में। अगर दिल करे तो थोड़ा सा सालन आप स्पून के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है? रखें, शाबाश, रखें किसी भी प्लेट में, गुड। अच्छा, और आपके पास क्या होना चाहिए, ग्लास के ऊपर रखने के लिए एक कवर होना चाहिए, वो भी रखें ग्लास के ऊपर कवर, ताकि मक्खी अंदर ना गिर जाए, ठीक है? और हाथ जब गंदे हो जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, एक नेपकिन भी रखना है, नेपकिन या टिश्यू भी हो सकता है, रखें ऐसे करके फोल्ड करके, शाबाश, गुड। वो नहीं, उधर नहीं रखना, रोटी वाली प्लेट रखें, रोटी वाली प्लेट की साइड पर रखें या ट्रे में रख लें, ठीक है, शाबाश, गुड, ऐसे रख लें, ठीक है, बहुत अच्छे। ये अब आपकी क्या होगी, एक ट्रे सेट होगी। अब आपने आराम से इसमें खाना लगा लेना, अपना खाना खाना है, और उसके बाद नेपकिन से हाथ साफ कर लेना है, ठीक है, शाबाश। पहले तो आप मामा को ऐसे सर्व कराओ करोगी, फिर आप बाबा को खाना ऐसे देंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप मेहमान को भी दे लेंगी, ठीक है मानूर बेटे? चले, गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया मानूर, शाबाश, वेल डन, गुड। चले, थैंक यू वेरी मच मानूर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ।